बार बार जब ये फ्यूल सब्सिडी की बात होती है तो उसकी एक जस्टिफिकेशन होती है कि भाई आप लोगों को समझ नहीं आती ना, खान साहब का प्लान था कि वो फ्यूल सब्सिडी देंगे और फिर रशिया से चीप ऑयल लेंगे। आपने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज के पास केपेबिलिटी नहीं है रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की। इज दैट ट्रू? बिकॉज दैट्स बीन कंटेस्टेड लॉट, एंड आई देखिए, बिलीव दैट हैज बीन कंटेस्टेड। हमाद अजहर ने अभी कोई स्वाप डील की भी बात की है आज या कल। देखिए, हमाद इज अ गुड फेलो, ठीक है। आई विल क्लैरिफाई दिस, मतलब आई हैव एंगेज्ड विद हिम मल्टीपल टाइम्स रीसेंट गाइस, सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन क्या है क्या नहीं है। देन देयर इज अ पॉलिटिकल व्यू ऑफ थिंग्स एंड देन देयर इज व्हाट द फैक्चुअल पोजीशन इज, ठीक है। जैसे पहले हमने बात करी, देन देयर इज अ पार्टी पोजीशन, देन देयर इज एक्चुअल रियलिटी, एंड तो उस हिसाब की बात है। देखें, रशियन ऑयल कैन इट प्रोसेस और नॉट, सम पीपल से यस, सम पीपल से नो। If yes, it will require a lot of capital expenditure. It's not something, some say it can be processed, some say it cannot be processed. ठीक है, the jury is out there. जो मेरी बात हुई है लोगों से, सब कुछ है, they're like it cannot be done. If you want to do it, there is a lot of capex involved. बहुत सारी आपको investment करनी पड़ेगी, उसके बाद होगा। ऐसा नहीं है कि जी हाँ भाई वो जहाज लगाया, चलो उसमें तेल डाला और उसको जो है प्रोसेस कर दिया। इफ इट वॉज सो इजी तो वी वुड बी प्रोसेसिंग ईरानी क्रूड ऑल द टाइम, ठीक है। ईरान से तो आपको पता है ना, डीजल स्मगल होके आता है, एवरीथिंग। सो दैट इज एन दूसरी उसमें चीज। देखें, ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रशिया ऑपरेट। रशिया का क्रूड कहाँ से आता है? रशिया क्रूड निकलता है ब्लैक सी से, दैट इज द रूट, ठीक है। अगर कोई भी सिर्फ मैप लोग खोल के देख ले ना, जब आई वुड रिकमेंड कि जो भी लोग ये देख रहे हैं वो अभी मैप खोल लो, मैप पे चले जाए ब्लैक सी पे, जितना भी रशिया क्रूड एक्सपोर्ट हो दैट राउटेड टू ब्लैक सी। ब्लैक सी से वो निकलता है मेडिटेरेनियन पे, मेडिटेरेनियन से वो सुएस कनाल के थ्रू होता हुआ आता है टूवर्ड्स अरेबियन सी या वट एवर। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ठीक है। मीन वाइल बिल्कुल बराबर में आपके 2 घंटे की जहाज के रूट पे, 2 घंटे खैर मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब आप 12 घंटे, 8 घंटे में दुबई से, अबू धाबी से, ओमान से जहाज आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो ए इट्स वेरी फार। यस, इंडिया हैज बॉट अ लॉट ऑफ रशियन क्रूड, बट दैट वाज ओनली 5% ऑफ द टोटल बाइंग, ठीक है। इंडिया ने अभी कोई पेट्रोल की कीमत डिक्रीज नहीं करी, जो डिक्रीज करी ना टैक्स की वजह से करी, उन्होंने इसलिए नहीं करी कि रशियन क्रूड। ये लोग ये कहते हैं कि जी हम 100% रशियन क्रूड इस्तेमाल करना शुरू, भाई आप नहीं कर सकते 100% रशियन क्रूड इस्तेमाल यार, मतलब क्या हो गया। आप चलो लेके कहीं से भी कुछ करके आपने 5% भी इस्तेमाल कर लिया, 3 रुपए कम हो जाएगी पेट्रोल के बाद, मुबारक हो, दैट्स इट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जिन जिन से आप तेल खरीदते हो उन सब ने आपको ऑयल डेफरल की फैसिलिटीज दे रही हैं, उन सब ने आपको हर 3 साल बाद थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं, 2 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर के, यार ये रखो तुम लोग परेशान नहीं हो, हम भाई हैं तुम्हारे, इस टाइप की चीजें भी करते हैं। तो जब ऑब्वियसली जब आप उनका तेल लेना छोड़ोगे तो वो भाईबंदी में पैसे भी आपसे वापस ले जा सकते हैं। सो अगेन द पोलिटिकल इकोनॉमी इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। एक और चीज है ये कि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रिफाइनरी कैपेसिटी, ठीक है। आप इंडिया एक्चुअली इज एन एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनकी जो कोस्ट है, कोस्ट पे उनकी रिफाइनरीज हैं, वहां पे आप जाएं तेल रिफाइन करें और वो एक्सपोर्ट कर देता है। वी हैव ओनली 1 या मे बी 2 कोस्टल रिफाइनरीज एंड दैट्स इट। जब वो आएगा तो आपके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है उसको रिफाइन करने की। तो अगेन देर आर मल्टीपल वेज टू डू लुक एट इट, मल्टीपल वेज टू डू इट। यस, एक्सट्रीम सिनेरियो, ठीक है, आपने कर लिया, देन नथिंग, ठीक है। हाउ विल यू मेक द पेमेंट फॉर इट, ठीक है। हाउ विल यू इंश्योर इट, द कार्गो इंश्योरेंस टू गेट फ्रॉम ब्लैक सी टू द मेडिटेरेनियन वुड बी एक्सट्रीमली हाई बिकॉज दैट इज अ वॉर जोन, ठीक है। अगेन अगर आपकी कैपेसिटी हो कि हाँ यार हम ये करना चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, यू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन योर रिजर्व्स एंड यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, देन श्योर गो अहेड, सो बिस्मिल्लाह, बट इन योर करंट स्टेट यू कैन नॉट। ये अगेन आई एम टॉकिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी हियर एंड अज्यूमिंग टेक्निकल इश्यूज गेट रिजॉल्व, व्हिच बाय द वे दे आरंट।